हमारे साथ श्री आनंद राठी हैं और कुछ ही देर में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से मिस्टर आशीष चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मिस्टर राठी, इस बजट के बाद ये मार्केट के लिए काफी ये कहा जा सकता है कि कभी खुशी कभी गम वाला बजट था। तो जो पार्ट ए था उसमें मार्केट नर्वस हो गया और गिरा, फिर जब बैंक्स के लिए रिकैपिटलाइजेशन की बात आई तो ये थोड़ा और गिरा। बजट खत्म होते होते मार्केट को रिलीफ हुई कि चलिए एटलीस्ट उतना नेगेटिव नहीं था जितना हमें डर था, बिकॉज LTCG में बख्श दिया गया मार्केट को। बट एक तो डाइवेस्टमेंट के फ्रंट पे कोई बड़ी चीज आई नहीं इस बजट में निकल के, कोई आपको लग रहा कोई डायरेक्शन देने की स्थिति में होगा मार्केट इस बजट के बाद? देखिए, बजट जो है वो कभी भी मार्केट को डायरेक्शन लॉन्ग टर्म में नहीं देते हैं। बजट का जो इम्पैक्ट होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म रहता है, और जब तक कि कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट्स ऐसे नहीं आए जिसका इफेक्ट हो। तो ये जो बजट है इसमें बड़ा, इस बार बड़ा टारगेटेड, बड़ा फोकस बजट है एक तरह से, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने किस किस चीज़ों पे एम्फेसिस दिया जाएगा वो बड़ा क्लियर किया है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा बजट का, जो जिस तरीके से पेश किया गया और जो कंटेंट है वो काफ़ी इफेक्टिव वे में किया गया। हालांकि पूरे नंबर्स अभी तक नहीं इससे क्लियर हो रहे हैं, जब अनेक्सेस देखे जाएंगे तब नंबर समझ में आएगा, पर मोटा मोटी देखने से बजट का डायरेक्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है। जी, चलिए अब साथ ही साथ हमारे कॉन्टेस्ट पर भी नजर आ लेते हैं। और 1 बजे का प्रश्न और साथ ही साथ 10 बजे के प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए विजेता का नाम भी अगर आप देखें यहाँ घोषित कर देते हैं। एक बार अगर आप देखें जी पीजे कॉन्टेस्ट का, नया वित्त वर्ष कब से शुरू होता है, इसका प्रारंभ कब से होता है, मार्च से, अप्रैल से, मई से या फिर जून से? इनमें से जो भी सही विकल्प है उसका चुनाव करिए, उसे ZPB लिखकर एक स्पेस दीजिए, ABCD का चुनाव करिए और इस मैसेज को आप हमें 57575 पर SMS करते हैं। चलिए अब बाजार की तरफ बढ़ते हैं, मार्केट्स को देखने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली ये मार्केट्स पे एक बार आते हैं। मार्केट्स थोड़ा सा रिकवर हुए थे, लो पे गए, 6825 का लो लगाया, वहां से फिर रिकवर हुए और इस बीच अगर आप देखें ये इंट्राडे हाई की ट्रेजेक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं लगभग आधा परसेंट ऊपर। लेकिन मिस्टर राठी, एग्जैक्टली अगर आप देखें जो सेंटर ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम थी उसका जो केंद्र बिंदु था वो थे बैंक्स, और बैंक्स को 25,000 करोड़ रुपये का रिकैपिटलाइजेशन का अमाउंट, क्या बाजार ये सोच के चलेगा कि हाँ प्रॉब्लम को आपने एड्रेस किया है इस बजट में या नहीं किया है, और कल से एक बार फिर से डाउनसाइड पॉसिबल है बैंकिंग स्टॉक्स में? देखिए, बैंक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये अभी तक ये क्लियर नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से डायरेक्शन गवर्नमेंट का धीरे धीरे ये है कि गवर्नमेंट के पैसे लगने की जगह आखिरकार बैंक्स को पैसा कंटिन्यूसली रेज करना पड़ेगा मार्केट से, और जब तक वो सॉल्यूशन नहीं आएगा कोई भी बैंकिंग सेक्टर डेवलप नहीं हो सकता। दूसरा बड़ा मुद्दा अभी तक क्लियर नहीं है, जैसे अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो बिठा रहे हैं कि आगे जाके कैसे कंसोलिडेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आई थिंक पर्टिकुलरली PSU बैंक्स में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन की जरूरत है, एंड उसको चलते अगर जो स्ट्रॉन्ग कुछ बैंकें बनेंगी वो ज़्यादा तेज़ी से उभरेगी। दूसरा, मैनेजमेंट भी बैंकों में अब धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है, ज़्यादा ऑटोनॉमी लाई जा रही है, तो आई थिंक खाली एक आंकड़ा देख के अपने को ये नहीं जान लेना चाहिए कि इसका क्या इफेक्ट होगा, ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में क्या पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की, और ये ब्यूरो बनने के बाद कितनी उसमें ऑटोनॉमी आएगी, कितना मैनेजमेंट में सुधार आएगा, उसके ऊपर बैंकिंग के स्टॉक्स का डिपेंड करेगा। एज इट इज़ बैंकिंग स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत लो पे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसके कारण बैंकिंग सेक्टर्स पे नेगेटिव इफेक्ट मार्केट में आएगा। जी बिल्कुल, चलिए, लेकिन आपको रेट कट की उम्मीद है क्या मिस्टर राठी? आज दलाल स्ट्रीट पर काफी बज है कि रेट कट हो सकता है। भाई, रेट कट तो मैं तो कहता आया हूँ इतने दिन से, रेट कट ओवरड्यू है। आई थिंक रिजर्व बैंक गवर्नर चाहते थे गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट देखना, उसका मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा दे दिया है कि भाई इस वर्ष का भी फिस्कल डेफिसिट वैसे मेंटेन होगा और इस अगले वर्ष भी फिस्कल डेफिसिट जो पहले कह रखा है उन्होंने 3.5% होगा, तो आई थिंक अब कोई कारण नहीं है कि रिजर्व बैंक रेट जल्दी से नहीं घटाएं, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट टुडे और इवन कंजम्पशन हिस्टोरी इसके अपनी रेट जो है कंपेयर टू इन्फ्लेशन देखते हुए ज़्यादा हैं, ग्लोबल मार्केट सिचुएशन देखते हुए अपने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि RBI अब वंस फिस्कल डेफिसिट इज अंडर कंट्रोल RBI वुड बी एबल टू टेक इनिशिएटिव टू ब्रिंग डाउन द रेट्स। जी,
इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़े हैं, मिस्टर आशीष चौहान और साथ ही साथ मिस्टर सुनील कनौरिया हमारे साथ पोस्ट बजट एनालिसिस के लिए हैं। मिस्टर कनौरिया, बजट स्पीच आपने सुनी, एग्जैक्टली इसको अगर मार्क्स देने हो तो कितने देंगे आप, और दूसरी बात क्या स्ट्राइकिंग पॉइंट लगे आपको इस बजट स्पीच के, सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन सा लगा आपको? जैसे कि आपने देखा कि जो वित्त मंत्री ने 9 पिलर्स को आइडेंटिफाई किए हैं, जो मैं समझता हूँ कि ये 9 चैलेंजेस हैं इकॉनमी की, और हर चैलेंज को उन्होंने एड्रेस किया है, बेसिकली एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक फोकस किया है पब्लिक स्पेंडिंग में, और साथ साथ में ही बैलेंस किए हैं कि फिस्कल डेफिसिट भी एक डिसिप्लिन के अंदर में रहे, तो ये एक पॉजिटिव बात है ओवरऑल इकॉनमी के लिए। जहाँ हमारी नेगेटिविटी है और जहाँ पर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट में चूक कर रही है, जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर उन्होंने जो कर सकते थे, क्योंकि आज हमारी GST हम नहीं देख पाए हैं, तो एक बोल्ड स्टेप ले करके टैक्स को बहुत ही सिंपल कर सकते थे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ा सकते थे, वो मैं समझता हूँ कि चूक गए। जी हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ अब मिस्टर विजय सल्दाना भी जुड़े हैं और उनसे हम ये जानते हैं कि एग्री स्पेस किसानों के लिए जो सबसे खुश वही होंगे, सबसे खुश वही है, मदर इंडिया बजट इसे कहा जा सकता है मिस्टर सल्दाना, डेफिनेटली इट्स अ मदर इंडिया बजट, किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है, रूरल आम आदमी जो है उसे ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है, कैसा लगा बजट? देखिए मदर इंडिया बजट निश्चित रूप से है, क्योंकि 127 करोड़ लोगों को खाना खाना है, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसको खाना नहीं खाना है? अगर इस देश में फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगी, अगर इस देश में खाना नहीं मिलेगा, तो बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे चलेंगी, इस पे हमें सोचना पड़ेगा। और जो इस बजट का फोकस है वो यही है कि जो रूरल इकोनॉमी है, जहाँ से इस देश में खाना आता है, मतलब अगर ये कहें कि 127 में आधे लोग वो हैं जो खाना पैदा करते हैं और बाकी जो आधे हैं वो खाते हैं, तो अगर ये दोनों को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे और फूड सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इकोनॉमी सस्टेन हो पाएगी। और इस बजट का जो मुख्य आधार रहा है वो यही रहा है कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो इरीगेशन है, चाहे वो हमारे पास रूरल रोड्स कनेक्टिविटी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, हम किस तरह से रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें ताकि फूड सिक्योरिटी आने वाले समय में जिसके चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के कारण है या किसी और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के कारण है, उसको हम कैसे एड्रेस कर सकें। और आज अगर आप देखें, अगर आप गेहूं चावल दो चीज़ों को छोड़ दें, गेहूं चावल और शुगर, अगर आप तीन चीज़ों को छोड़ दें, बाकी पूरे देश में जितनी भी बाकी खाने की चीज़ें हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, तभी महंगाई बढ़ रही है। आपके पास दालें नहीं जी, आपके पास तेल नहीं है, आपकी फल सब्जियां महंगी हैं, आपका दूध महंगा है, ये सब क्या बताता है? ये सब ये बताता है कि जो हमारी सप्लाई साइड है वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो 127 करोड़ लोगों को खाना खिला सके। और जब खाने में महंगाई बढ़ती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इंडस्ट्रियल सेक्टर को होता है, क्योंकि जो आम आदमी है इस देश का, उसका 60-70% जो पर कैपिटा इनकम है वो खाने में जाता है, उसके बाद उसको बाकी अपनी ज़रूरतें पूरी करनी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, उसके पास पैसा बचता ही नहीं है कि वो मकान खरीदे, गाड़ियां खरीदे, मॉल में जाए, एंटरटेनमेंट करे, टूरिज्म करे। तो जब तक आप इस देश में खाने की कॉस्ट नहीं घटाएंगे तब तक आपकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि टैक्स इंसेंटिव देके आप एक जिसे कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन द केक हो सकता है, लेकिन केक नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ये हमें समझना पड़ेगा। विजय जी आप हमारे साथ बने रहिए।